हेलो माय वेरी डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ़ आकाश अग्रवाल क्लासेस दिस इज सी सीश्वती अग्रवाल फॉर यू ऑल डिसंबर 24 के लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूं मैं एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आप लोग को नगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि आप जो गलतियां करते हो मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ने में उसमें से एक गलती ये थी कि हम एक सही सीक्वेंस नहीं पकड़ते हैं सही सीक्वेंस नहीं पकड़ने से क्या होगा अगर आप बैलेंस नहीं करते हो बिटवीन मैथ्स एंड स्टैट्स बिटवीन डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड बिटवीन ईजीअर टॉपिक्स तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमको कहीं ना कहीं जाकर डिफिकल्टी आती है डीमोटिवेशन आता है अगर आप सारा डिफिकल्ट पार्ट एक साथ कर लोगे या पहले आप सारा ईजी कर लोगे तो बाद में डिफिकल्ट करने के लिए बहुत जान पे आता है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगी एंड ट्रस्ट में ये सीक्वेंस आपको बहुत 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 मदद मिलेगी क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लासेस में पढ़ाती हूँ तब भी मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही पढ़ाती हूँ ऐसे पूरा मैथ्स एक साथ पूरा

स्ट्रैटेजीज है सारे हमारे सक्सेस बैचेस है उम्मीद बैचेस है सो so दैट आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए एक एक प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और आपको जो टॉपिक में आप स्टक आपको पूरा होल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने सक्सेस बैच और उम्मीद बैच के जरिए आप लोगों को दे के रखा हुआ है एंड 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 एक और चीज बिफोर आई फेट यू ऑल मस्ट नो कि देर इज अज अनाउंसमेंट ऑन फोर्टीन ऑफ सप्टेम्बर फॉर क्योंकि इंटर का तो ब्लास्ट फ्रॉम प्लास्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुझसे कई बार कई तरीके से पूछ रहे हो मैसेज से पूछ रहे हो इंस्टाग्राम से पूछ रहे हो यूट्यूब के कमेंट से पूछ रहे हो कि मैम फाउंडेशन का क्या तो मेरा फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर एट पी मैं आपको अभी से बता के रख रही हूँ ये वैसे सीक्रेट है बट आपको अभी से बता के रख रही हूँ कि फोर्टीथ ऑफ सेप्टेम्बर को आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सो वेट फॉर दी अनाउंसमेंट एंड इट इज गोइंग टू हैपन एट एट पी तो ये अनाउंसमेंट में आपको ध्यान से आना है तो आपको समझेगा कि ए सी आप लोगों के लिए December 24 के लिए क्या लेकर आ रहा है लेट इस कंटिन्यू वीडियो ये अगर आप सीक्वेंस देख पाओगे सबसे पहले आपने टॉपिक करना चाहिए सेट्स सेट्स एक बहुत इजी टॉपिक है ऑफकोर्स ये मार्क्स के लिए कम आता है टू मार्क्स के लिए मैक्सिमम फोर मार्क्स के लिए आ जाएगा लेकिन ये एक परफेक्ट टॉपिक होता है मैथ्स एंड स्टैट्स स्टार्ट करने के लिए क्योंकि ये इजी है बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है फॉर्मूला कम है तो ये आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई करेगा कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगेगा उसके बाद इमीडिएटली आपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए टीवीएम टीवीएम एम स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्यूटी एनयूटी आज यू ऑल नो इज़ न्यू इन सिलेबस इम्पॉर्टेंट भी है तो आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करना चाहिए जो भी आपको ऑरेंज में दिख रहा है वो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है और जो भी आप लोगों को पर्पल में दिख रहा है वो आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है तो ये दो टॉपिक करने के बाद आपके अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाते हैं अराउंड आप ट्वेल्व से फोर्टीन मार्क्स वेर मिनिमम वर कर लोगे यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आ जाते हैं क्योंकि इनमें डिफिकल्टी नहीं है अगर आप इनमें से कोई टॉपिक में स्टक कर स्पेशली एन यू के तो मैंने इतने शॉर्टकट तरीके से आपको सिखाया हुआ है डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सक्सेस बैच एंड उम्मीद बैच के वीडियोज आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक का वीडियो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगा फिर उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा स्टैट्स अब ये स्टैट्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टैट्स का थ्योरी ये क्यों थ्योरी मतलब जो टॉपिक है ना स्टैट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा ये वो वाला टॉपिक है जिसको मैं प्यार से स्टार्ट का थ्योरी कहती हूँ तो ये वाला टॉपिक सी डी ये लिंक्ड टॉपिक है स्टार्ट का थ्योरी काफी काम आता है उसके नेक्स्ट टॉपिक में इसलिए दोनों आप साथ में करेंगे अगेन इससे भी आपको अच्छा चंक ऑफ मार्क्स कवर हो जाएगा कितने मार्क्स के लिए कौन सा टॉपिक आता है बेटा उसके लिए आपको एक नया वीडियो देखने मिलेगा ए बी सी एनालिसिस जो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी लेकिन अभी मार्क्स को जज ना करते हुए आप सीक्वेंस वाइज जाओ भरोसा करो बहुत 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 मदद मिलेगी आप लोगों को इस सीक्वेंस से उसके बाद दो स्टैट्स हमने कर लिए दो मैथ्स हमने कर लिए चार टॉपिक हम लोगों ने कर लिया अच्छे खासे मार्क्स कवर कर लिए उसके बाद एक छोटा सा वेरी क्यूट लिटिल टॉपिक दिस इज अ वेरी क्यूट टॉपिक एक हाथ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दैट इज टू मार्क्स अगेन न्यू इन सिलेबस टाइम एंड डिस्टेंस ये आप लोग ये भी नहीं आता है तो भी टेंशन मत लो इस वीडियो का भी लिंक है आप बस प्लेलिस्ट में जाओ वीडियोस स्क्रोल करो आपको हर टॉपिक पे मिलेगा इस पे भी वीडियो है न्यू इन सिलेबस है छोड़ के नहीं जाना है उसके बाद हम करेंगे रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन अराउंड सिक्स एट मार्क्स का टॉपिक है और अगर आप ये टॉपिक भी अच्छे से करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ही बिल्ट अप होगा तो अगर आप देख रहे हो कि ये जो आपका हैवी टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कशन क्यूनेस हैवी है लेंदी है टाइम लगेगा तो उसके बाद मैंने आपको दोनों टॉपिक जो दिए हैं ना वो वेरिए तो बहुत ही सिंपल है और ये भी ओके ओके वाला टॉपिक दिया तो आप देख रहे हो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपको जैसे ही ऐसे लगेगा भाई बहुत डिफिकल्ट हो गया अब नहीं हो पाएगा तो आप अगला टॉपिक जो उठाओगे सिंपल है फिर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा तो जैसे ही मुझे ऐसे लग रहा है ये टॉपिक से आपका कॉन्फिडेंस कम होगा उसके बाद इमीडिएट टॉपिक मैंने ऐसा दिया जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है अगर नहीं समझ में आता है क्यों इंपॉर्टेंट है फिर भी करो, ये को करो, बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद लोग सिखाते नहीं है और आप लोग भी सीखते नहीं हो एक इंडेक्स नंबर में एक मेथड होता है लॉग का ये मेथड आपको छोड़ना नहीं है ये मेथड भी करना है अगर नहीं आता है तो ये भी आप मेरे वीडियो से देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक इंडेक्स नंबर और एक टाइम सीरीज दोनों न्यू इन सिलेबस है इंपॉर्टेंट है इनका वेटेज भी धीरे धीरे हर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट बढ़ता जा रहा है तो आपको ये दो तो टॉपिक्स भी छोड़कर नहीं जाने यू हैव टू डू टॉपिक्स वेरी वेल उसके बाद हम आएंगे आपके नेक्स्ट टू टॉपिक्स पे मैथ्स के टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो थोड़ा ओके ओके टॉपिक है बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट जा सकता है क्योंकि इसमें कई सारे टाइप्स है कॉमन सेंस ज्यादा है फॉर्मूला कम है तो आई अग्री कि ये टॉपिक में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो इट्स ओके उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको इजी पार्ट ही दिया है जैसे ही आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही आप अगला टॉपिक कौन सा पिक करेंगे प्रोबेबिलिटी ये दोनों टॉपिक लिंक्ड है कई बच्चे अब गलती ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं परम्यूटेशन नहीं करते हैं अगर आपको कॉम्बिनेशन ही नहीं आता है तो आप प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं सकते हो तो अगेन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद अब ये लास्ट वाला पार्ट हैवी जाएगा दिस इज ऑल इज गोइंग टू बी हैवी वेरी 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 हैवी ऑल मतलब ये पूरे तीनों हेवी टॉपिक्स है अब ये मैंने तब दिया जब अपना मेजर मैथ मैथ्सार्स खत्म हो गया उसके बाद कई बच्चे इनको छोड़ के भी जाते हैं रेस्ट में आपका वो लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट्स वाला पार्ट है ना वो सब उसमें आ जाता है एपीजीपी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है मैं इसको ओके okay ओके डालती हूँ कोरिलेशन रिलेशन रेगुलेशन जनरली डिफिकल्ट जाता है अगर बहुत ही डिफिकल्ट जाता है तो जितना पार्ट मैंने पढ़ा है कम से कम उतना तो कर लेना बहुत हेल्प हो जाएगी फिर आता है लॉग एंड लॉन्ग एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एलिमेंट्स डेवेटिव इंटीग्रेशन वो सारी चीज़ें आप लोगों को एंड में करनी है क्योंकि ये मोस्ट डीमोटिवेटिंग पार्ट है अगर आपने बीच में कर लिया तो गया कॉन्फिडेंस ही हिल जाएगा सो दिस इज द सीक्वेंस विच यू हैव टू फॉलो फॉर फ्यूर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डोंट फिगेट आप लोगों को किसी भी टॉपिक का किसी भी सब्जेक्ट का डर लग रहा है तो आई एम गोइंग टू बी फॉर यू ऑल अवेलेबल फॉर डिसम्बर ट्वेंटी फोर और ये अनाउंसमेंट आपको फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर एट पी एम हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने मिलेगा दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस तो बिल्कुल भी अनाउंसमेंट मत मिस करना एंड आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू ऑल मेक श्योर sure कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो यार तभी समझेगा कि आपको इस पे चाहिए कुछ कॉन्टेंट आज ऑलरेडी नो आप चैनल को फॉलो करते होंगे तो आई एम स्टिल इन रिकवरी फेज दैट्स वाई आपको सिर्फ ऑडियो और स्क्रीन देखने मिलेगा फॉर अ फ्यू मोर वीक्स उसके बाद लेकिन तब तक अपना काम तो चलता रहेगा डिसंबर ट्वेंटी के बीच में आपको पास होने के बीच में और कुछ नहीं आएगा दैट्स माई प्रॉमिस सो लॉट्स ऑफ लव एवरी वन आई मिसिंग यू ऑल एंड होप यू ऑल आर वेल ऑल द वेरी बेस्ट लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम